दोस्त आज आपका फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे BSNL के बारे में। जो डॉट के दूरसंचार सचिव के राजा रमन है, उन्होंने BSNL के बारे BSNL 4G के बारे में बहुत ही अति इम्पोर्टेंट बातें कही है, जिसे आपको जानना चाहिए। और BSNL के जो सब्सक्राइबर हैं, कर्मचारी हैं, उनको ज़रूर जानना चाहिए आखिर उन्होंने किस मुद्दे पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें कही है। तो चलिए दोस्तों हम सुनाते हैं उनके मुखारबिंद से निकले हुए ये अच्छे अच्छे शब्द। BSNL की घरेलू 4G तकनीक किफ़ायती होगी, के राजारमन दूरसंचार विभाग। और भी बहुत बारे थे। 4G तकनीक काम करेगी और सुरक्षा और आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसमें दो इम्पोर्टेंट उन्हें बातें कही है, सुरक्षा और आर्थिक। सुरक्षा भी है इसमें बहुत अच्छा और आर्थिक भी है बहुत अच्छा, यानी कि जो यह सस्ता है क्योंकि आपको मेक इन इंडिया मिलेगा। और आप यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई छिपा हुआ बैक डोर नहीं है जिसका बाद में शोषण किया जा सकता है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें ऐसा कोई भी एरर नहीं है जिसे बैक डोर में कोई कुछ परेशानी का सबब बन सकता है। और भी बहुत कुछ कहा है, तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। दूरसंचार विभाग के सचिव के राजा रमन ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा तैनात की जाने वाली स्वदेशी रूप से विकसित 4G PT यानी 4G तकनीक किफ़ायती होगी और दूरसंचार उपकरणों में छिपे हुए पिछले दरवाजे जैसे नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित आशंकाओं को दूर करेगी। राजा रमन ने ईटी को बताया 4G तकनीक काम करेगी और सुरक्षा और आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको मेक इन इंडिया मिलेगा और जिसका कोई बैकडोर नहीं है और जिसका फायदा उठाया जा सकता है। स्थानीय रूप से विकसित यानी स्वदेशी 4G तकनीक भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है क्योंकि इससे फिनलैंड की नोकिया और स्वीडन की एरिक्सन जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि नोकिया और स्वीडन जो विदेशी कंपनियां हैं उन पर अब निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि हमारे देश में ही ऐसे ऐसे उपकरण तैयार किए गए हैं जो विदेश से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले साल जुलाई में BSNL ने TCS संचालित कंसोर्टियम का चयन किया गया जिसमें राज्य के स्वामित्व वाले सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम भी शामिल है जिसने स्वदेशी रूप से कोर उपकरण डिजाइन किया और विकसित किया था। TCS और CDOT ने BSNL के लिए अम्बाला और चंडीगढ़ में 120 दिनों की समय सीमा के साथ एक परीक्षण नेटवर्क तैनात किया जिसके बाद 31 दिसंबर 2021 और बाद में जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया और टाटा समर्थित को एक और राहत दी गई है। समूह पूरी तरह से नेटवर्क परीक्षणों के अनुरूप है। मुझे लगता है कि शायद अप्रैल में इसकी घोषणा की जा सकती है। मैंने व्यक्तिगत रूप से कुछ साइटों का दौरा किया है, प्रदर्शन अच्छा है। मुझे लगता है कि कुछ और परीक्षण हैं जिन्हें पूरा किया जाना है जबकि सबसे अधिक महत्वपूर्ण सभी किए गए हैं। तो दोस्तों ये न्यूज़ आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन